सुतपा, निश्चिंत रहो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी। सुतपा के पास जा रही हो देवी? हाँ स्वामी, एक माँ की वेदना एक माँ ही जान सकती है। स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मातृत्व। यदि उसका मातृत्व संकट में पड़ जाए तो स्त्री का जीवन दुख के सागर में डूब जाता है। देवी, इस संसार में माँ के हृदय में करुणा और मातृत्व का जो संचार है उसका केंद्र तुम ही, इसीलिए जगत के प्राणी तुम्हें जगदम्बा कहते हैं। स्वामी, बातों में कहीं मार्कंडेय के प्राण संकट में ना पड़ जाएं, मुझे जाने की आज्ञा दे। नहीं देवी, वहाँ जाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, वहाँ न जाना ही उचित हो। एक माँ की वेदना असहनीय होती है स्वामी, मुझे स्वयं जाकर उसे आश्वस्त करना ही होगा, अन्यथा। अन्यथा क्या देवी? अन्यथा मार्कंडेय के जीवन पर आए संकट से वो पतिव्रता मातृत्व से आहत होकर कहीं नियति को ही शापित न कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी, घटेगा वही जो विधान है। इस स्थिति में मैं क्या करूं भोलेनाथ? सुतपा की व्यथा से मैं स्वयं बहुत चिंतित हूं। मृकुंड दंपति तथा मार्कंडेय की चिंता हम पर छोड़ दो। क्या बात है यमदूत, तुम तो मार्कंडेय के प्राण हरने गए थे। और चमत्कारी, मैं भी मार्कंडेय के नाम से ही मुझे भय लगने लगा है स्वामी। बकवाद ना करो और अपनी बात स्पष्ट कहो। स्वामी, जो ही हमारे सहयोगी मित्र ने उस मायावी मार्कंडेय पर यमपाश फेंका तो उसके सामने के शिवलिंग से भयानक ज्वालाएं निकली। यमपाश ने पलटकर हम पर ही प्रहार किया। मेरा मित्र यमदूत अभी भी वहां अचेत पड़ा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सत्य कह रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत प्राण लिए बिना लौटे हो। ये अक्षरशः सत्य है स्वामी। शांत रहो, तुम्हारी पराजय ने यमलोक की परंपरा को कलंकित किया है जिससे हम अधिक चिंतित हैं। अब हम स्वयं मायावी मार्कंडेय के प्राण हरने जाएंगे। स्वामी आप? हाँ हम। यदि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ किया गया तो तीनों लोगों में अराजकता फैल जाएगी। प्राणी के मृत्यु में एक क्षण का विलंब भी सृष्टि की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। पाश, हम स्वयं जाएंगे। चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वयं यमदेव भी उस मायावी चमत्कारी मार्कंडेय के प्राण हर पाएंगे। दूत, मृत्यु से आज तक मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी बच नहीं पाया है। होगा वही जो नियंता की इच्छा होगी। नारायण नारायण। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहो नारद, क्या समाचार लेकर आए? समाचार नहीं परमपिता, मैं आज प्रार्थना लेकर आया हूँ। प्रार्थना? अवश्य कहो मेरे मानस पुत्र। परमपिता, निर्दोष बालक मार्कंडेय की अल्पायु के अभिशाप का अंत करके कृपया आप उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं नारद, नहीं, मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों क्यों परमपिता क्यों? उस निर्दोष निष्पाप बालक पर इतना क्रूर अत्याचार क्यों परमपिता? यह अत्याचार नहीं है। है परमपिता है। वो बालक मेधावी परम ज्ञानी तेजस्वी है। उसे मिलने के पश्चात मुझे उसमें
जगत कल्याण की अपूर्व ज्योति के दर्शन हुए परमपिता। इन सब के उपरांत भी वो नियंता की नियति और विधाता के विधान से अछूता नहीं है। किंतु परमपिता, जगत कल्याण को साक्षी मानकर नियंता की नीति और विधाता का विधान परिवर्तित भी तो हो सकता है ना? नहीं नारद, नहीं। नियंता स्वयं यदि अपने नियमों में परिवर्तन करने लगे तो इस सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। किंतु परमपिता, जगत कल्याण भी तो। नारद, जगत कल्याण से भी महत्वपूर्ण है नियति और विधान, क्योंकि विधान के संकट में पड़ने से ये जगत ही संकट में पड़ जाएगा। किंतु परमपिता। नारद, तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हारे लिए कोई भी रहस्य रहस्य नहीं है। मार्कंडेय की अल्पायु उसके पूर्व जन्म के कर्मों एवं उसके पिता ब्रिकंडू की उसे जन्म देने की अनिच्छा का परिणाम है। इसलिए उसके माता पिता को पुत्र वियोग अवश्यंभावी है। क्या बालक मार्कंडेय की जीवन रक्षा का कोई भी मार्ग शेष नहीं है परमपिता? हम ऐसा भी नहीं कहते नारद। भगवान शिव की सृष्टि में सब कुछ उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। सृष्टि का हर मार्ग शिव इच्छा से ही संचालित होता है। नहीं परमपिता, नहीं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय की जीवन रक्षा का मार्ग अवरुद्ध किया है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? तुमसे उनकी लीला समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। नहीं परमपिता, नहीं। भूल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बालक मार्कंडेय की चर्चा करने पर मुझे ये आदेश देकर कहा था कि बालक मार्कंडेय की नियति निर्धारित हो गई है, अब उस पर व्यर्थ चर्चा करने का क्या प्रयोजन है? नारद, जिस प्रकार भगवान शिव अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी प्रत्येक लीला भी अनंत है। उसे समझ लेना हर एक के वश में नहीं होता। तो मैं क्या करूं परमपिता, मैं क्या करूं? मैं किसी भी मूल्य पर बालक मार्कंडेय की प्राण रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूं, आवश्यक समझता हूं। शिव आराधना करो पुत्र, वो जो भी करेंगे उसमें अंततः जगत का कल्याण छुपा ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नन्ना बालक हूँ, आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो।
पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं। महाकाल हैं। महाकाल हैं।